मुबारक मुसलिम। जी बेटा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर टू जो है वो हम करने जा रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर टू से हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं कंसाइनमेंट की। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बेसिक चीजों को देखा और मैं अगर फोरन से इसकी समरी बताऊं तो वो ये था, एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सेलिंग पर्पस ऑन कमीशन बेसिस। जब एक बंदा दूसरे बंदे को चीजें भेजे और बेचने के लिए भेजे, और वो भेजे इसलिए ताकि मैं चीजें जब सेल करवा लूंगा तो ठीक है जी, मैं बदले में उसे कमीशन दे दूंगा और बाकी सारा प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। तो ये कंसाइनमेंट है। दो पार्टीज है इसमें, एक वो जो चीजें भेज रही है उसे हम कहते हैं कंसाइनर, और एक वो जो चीजें लेके तो आगे बेचेगा जो हमारा एजेंट है वो कंसाइनी। दूसरी इसमें अहम बात यह है कि जनाब इस टॉपिक को पढ़ते हुए हमने सारे के सारे एक्सपेंस किसको चार्ज करने हैं, कंसाइनमेंट को। क्या मतलब? मतलब ये जब भी खर्चा होगा तो हम कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, जब भी खर्चा होगा तो हम कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, और रेवेन्यूज भी जब होंगे तो वो भी कंसाइनमेंट को चार्ज करेंगे। उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि रेवेन्यू जब भी होंगे तो हम रेवेन्यू को रेवेन्यू के बढ़ने पर हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे। ले जनाब अभी सवाल करते हैं, इंशाल्लाह आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। सवाल जो है वो आपके सामने है, हमने बुक ऑफ क्रीम बनानी है, बाकी सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हुए हैं। बुक ऑफ क्रीम, क्रीम हम खुद को समझ लेंगे कि हमने चीजें भेजी हैं, लिहाजा हम जो है वो क्रीम है। क्वेश्चन करने के लिए आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, और जर्नल के फॉर्मेट में क्या है वो जनाब अभी बात होती है। सर ये हो गया कल? नहीं जी, ये मुकम्मल नहीं था हुआ, सिर्फ चार पांच बेसिक एंट्रीज हमने पास की थी, तो इसलिए जो है ना ये मैं इसको दोबारा आपको करवा रहा हूं ताकि कंप्लीट हो जाए आज। ले जनाब सबसे पहले है चीजें भेजने की जर्नल एंट्री। मैंने आपको कहा था जब भी चीजें भेजी जाएंगी तो सबसे पहले हमेशा ये वाली जर्नल एंट्री होगी, और ये जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। स्पेलिंग आपने कंप्लीट लिखना है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का आपके इस चैप्टर के अंदर बड़ा अहम रूल है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ना आना जर्नल के ना आने की निशानी है, और जर्नल जिसको नहीं आता वो अकाउंटिंग का तो सोचे भी ना। ले जनाब कंसाइनमेंट का हमने डेबिट किया क्योंकि कंसाइनमेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा होता है, उसे डेबिट करते हैं। चीजें जाहिर है जब आपने भेजी हैं 60 चीजें भेजी हैं और 175 के हिसाब से भेजी हैं, तो ये जरा मुझे बता दें क्या जवाब आया? 60 × 175। तो हमने जब चीजें भेजी तो चीजें भेजने से जाहिर है आपका खर्चा होता है, या तो आप चीजें खरीद के भेजते हैं या फिर आप चीजें जो है वो बना के भेजते हैं। भाई आप चीजें खरीद के भेजें या आप चीजें बना के भेजें, डेबिट में शायद कंसाइनमेंट होता, तो इसलिए हमने कंसाइनमेंट को डेबिट किया, और चीजें भेजने से गुड्स में कमी हुई सो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को उसको गुड्स अकाउंट को क्रेडिट किया। कंसाइनमेंट को तो इसलिए डेबिट किया है क्योंकि जो कंसाइनमेंट है वो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो गया इसलिए डेबिट, और चीजें भेजने से आपकी चीजों में कमी हो रही है इसलिए क्रेडिट किया। लेकिन ये कोई वजह नहीं है जो मैंने बोली है चीजें भेजने से चीजों में कमी हुई तो क्रेडिट। भाई असल में ना ये एक आर्टिफिशियल अकाउंट है, आर्टिफिशियल अकाउंट की हमारे पास कोई भी रीजन मौजूद नहीं होती, इसलिए हम जो है वो दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि हम जो है इसका ये समझ लेते हैं कि ये जो गुड्स है ना ये भेजी है जब, तो उससे हमारी चीजों में कमी हो गया इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। अदरवाइज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक बात होगी इससे हट के सिर्फ। बहरहाल कंसाइनमेंट को क्यों डेबिट किया वो मैं आपको बता चुका हूँ कि चीजें भेजने से आपका एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस जब भी बढ़ना है तो हमने कंसाइनमेंट को चार्ज करना है, लिहाजा इसलिए हमने कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया है। नरेशन बिल भी आपने साथ साथ लिखनी है जी। नरेशन सर क्या लिखी जानी है? नरेशन इसकी लिखी जानी है, मैं सिर्फ नरेशन बोलूंगा, लिखेंगे आप लोग खुद क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, सेम आपको मिल जाएगा तो आप बाद में इसको अच्छे से इजी होके लिख लेंगे। नरेशन लिखी जाएगी गुड्स सेंड टू मिस्टर सलमान ऑन कंसाइनमेंट। चीजें भेज दी, चीजें भेजने के बाद आपका खर्चा हुआ था कौन सा जनाब? ये जनाब आपका खर्चा हुआ, ये देखिए फ्रेट का 275, इंश्योरेंस का 755 और
लोडिंग चार्जेस 20, तो तीनों खर्चे आपने किए हैं जब चीजें भेजी हैं। चीजें भेजने का खर्चा कोई भी हो, डेबिट में शामिल कंसाइनमेंट, ये हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि खर्चा कोई भी हो डेबिट हमेशा कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट को हम जनाब डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस में इजाफा होता है उसे डेबिट करते हैं। आप इन तीनों चीजों को प्लस कर लें, प्लस करने से आपके पास क्या आंसर आ गया जी मेरा बेटा? जी बोलिएगा जरा शाबाश। 350 ले जी, 350 एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, और आपने जाहिर है जब चीजें भेजी हैं तो उससे आपके कैश में कमी हुई है, कैश आपका एसेट है, एसेट में कमी हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, सो हमने कैश को क्रेडिट कर लिया। इसकी निरेशन लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट, ओके हो गया जी। इसके बाद जनाब आगे बात जब आप बढ़ाए तो आपने, आप करीम है, आपने ना सलमान को कहा यार हमें कुछ पैसे एडवांस दे दो, जब चीजें बिकेंगी तो तुम अपने पैसे काट लेना। सलमान ने कहा ठीक है मेरे पास नकद कैश तो नहीं है, आप मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर लें। हमने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, जब हमने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया तो बिल ड्रॉ करना हमारा एसेट, एसेट्स में इजाफा हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो जनाबे अली हमने यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर लिया क्योंकि बिल रिसीवेबल एक एसेट है, एसेट में इजाफा हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। और ये बिल आपने किसके ऊपर ड्रॉ किया है? तो जवाब यह है जनाब, आपने ये बिल है वो सलमान के ऊपर ड्रॉ किया है, तो सलमान अकाउंट आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी में इजाफा हो चुका है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि जब भी हमारी लायबिलिटी में इजाफा होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। और आपने जब किसी से एडवांस पेमेंट ली हो तो कल को आपने वो पेमेंट उसे वापस करनी है, तो जब तक आप उसे वो वापस नहीं करेंगे वो आपके लिए लायबिलिटी होगी, और लायबिलिटी में जब इजाफा होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो सलमान इसलिए क्रेडिट हो गया क्योंकि लायबिलिटी में इजाफा हुआ है, और बिल रिसीवेबल को इसलिए डेबिट कर लिया क्योंकि आपने उसे एडवांस में ये बिल लिया है, ये बिल आपका एसेट है, एसेट में इजाफा होता है हम उसे डेबिट करते हैं। तो जनाब इसकी निरेशन लिखेंगे एडवांस बिल रिसीव फ्रॉम सलमान। नेक्स्ट वन कहता है जब चीजें पहुंच गई सलमान के पास तो सलमान साहब ने चीजें जो है वो उतरवाने के लिए अनलोडिंग चार्जेस पे किए, स्टोर करने के लिए स्टोरेज चार्जेस और इंश्योरेंस के चार्जेस भी पे किए ताकि रिस्क को कम किया जा सके। मतलब ये कि ये मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस हैं जो आपके आपके एजेंट ने जो है वो पे किए हैं। भाई खर्चा कोई भी करे, चाहे हम खुद करें चाहे हमारा एजेंट करे, वो चार्ज हमेशा कंसाइनमेंट कौन है, हमने इसकी इंट्रोडक्शन में बात की थी कि कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा डेबिट होगा जब भी एक्सपेंस होंगे। तो ये क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे एजेंट ने किए हैं, लेकिन किए किसके लिए हैं? हमारे लिए, सो ये हमारा ही खर्चा है। तो इन तमाम एक्सपेंसेस को अगर आप प्लस कर लें तो आपके ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। लेकिन आरजी तौर पे ये खर्चा करने वाला सलमान है, सलमान ने आपसे ये पैसे जो है वो लेने हैं, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। ले मेरे भैया एक्सपेंसिस पेड बाय सलमान, ये जनाब हमारे पास सलमान की भी रिकॉर्डिंग हो गई। उसके बाद सलमान ने कहा मैंने तुमसे 2% कमीशन एक लेनी है और 1/1/2% एक लेनी है, टोटल जो है वो 3.5% 3.5% कमीशन उसने आपसे लेनी है। लेकिन मैंने आपको बताया था कॉमन सेंस की बात है कि कमीशन तो हमेशा सेल के बाद आएगी, चीजें बिकेंगी तो पता चलेगा ना कमीशन कितनी है, सो हम पहले सेल की एंट्री पास करेंगे। लेकिन जी सेल की एंट्री जब पास होगी तो चीजें बेचने वाला कौन है? सलमान। सलमान से इसका मतलब हमने पैसे लेने हैं क्योंकि सलमान आपका एजेंट है, वो आपकी चीजें बेच रहा है, जब वो आपकी चीजें बेच रहा है तो आपने उससे पैसे लेने हैं, तो जब आपने उससे पैसे लेने हो वो तो आपका डेटर होता है, और डेटर जो है वो आपका एसेट होता है, और एसेट में जब भी इजाफा होता है हम उसे डेबिट करते हैं। तो जनाब हमने यहाँ पर सलमान अकाउंट को डेबिट कर देना है क्योंकि सलमान जो है वो आपका एसेट बन चुका है, एसेट में इजाफा डेबिट, और चीजें बिक चुकी हैं, जब भी चीजें सेल हो तो आपके रेवेन्यू में इजाफा होता है, रेवेन्यू में इजाफा होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। और हमने बात की थी इंट्रोडक्शन के अंदर कि हमारा जब भी रेवेन्यू जनरेट होगा तो हम किसको चार्ज करेंगे? कंसाइनमेंट को। नहीं जनाब, क्योंकि रेवेन्यू जब बढ़ता है तो रेवेन्यू को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए फिर हमने कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर लिया रेवेन्यू के बढ़ने के तौर पर। अब अमाउंट कितनी कितनी लिखेंगे इसके लिए थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिएगा भैया कैलकुलेशन, 30 यूनिट्स हमने सेल की हैं,
225 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके अपने पास अमाउंट लिख लें, मुझे भी बता दें जी फौरन से। 30 × 225 जी मेरे बेटा, 30 × 225 साथ साथ रहे भैया। सर 6750 30 × 225 अगर ये बच्चे ने कैलकुलेशन दुरुस्त की है तो 6750 आंसर है। 6750 जी सर। अब देखिए ना, उसके बाद 25 यूनिट सेल की है 250 के हिसाब से जी, वो आ गया 6250 हम करेंगे जी कितना 6250। और उसने कहा बैलेंस जो बाकी यूनिट्स है, बाकी यूनिट्स कितने हैं आप जरा चेक करें, टोटल यूनिट थे कितने, पहले कितने बेचे 30, फिर कितने बेचे 25, बाकी कितने लगे 5। आपने 5 यूनिट्स को सेल किया है किस रेट से, 280 के हिसाब से, तो 5 × 280 ये क्या आया जनाब 1400 जी, 1400 आ गया 1400 ले मेरे भाई। अब आप इन सब को प्लस कर लें, किसे किसे, एक अमाउंट ये है, दूसरी ये है और तीसरी है, इन तीनों अमाउंट्स को प्लस कर लें, आपको सेल की अमाउंट मिल जाएगी जी। क्या आई सेल की अमाउंट प्लस करके, जी इसकी जो नरेशन है वो लिखी जाएगी गुड्स सोल्ड बाय सलमान और अमाउंट इसकी आई है 14400। ये हमारे पास जनाब सेल की भी एंट्री होगी। अब बात है उसकी कमीशन की, और कमीशन है 3.5%। कमीशन हमने हमेशा कैलकुलेट करनी है क्या सेल प्राइस के, तो कमीशन हमने देनी है, तो कमीशन भी हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को किस पर चार्ज करना है जी, बिल्कुल कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा होगा हम उसे डेबिट करते हैं, और कमीशन हमने देनी किसको है, तो उसका जवाब है सर सलमान को। मेरे भैया सलमान को आपने कमीशन देनी है, तो सलमान जो है वो आपके लिए लायबिलिटी बन गया। कमीशन देनी कितनी है सेल प्राइस के ऊपर, सेल प्राइस है 14400, उसके ऊपर कितने परसेंट, 3.5% जी मेरे भाई। तो आपके पास इसका क्या जवाब आ गया देखिएगा जरा, 504 ये कमीशन हो गई। इसकी आप नरेशन लिखेंगे कमीशन चार्ज्ड बाय सलमान। नेक्स्ट ना, अब हमें देखना है ये सारा काम करने से हमें फायदा हुआ कि नुकसान, जाहिर है हमने इतना लंबा चौड़ा काम किया है, चीजें भेजी, अपना खर्चा, उस भाई का खर्चा, तो ये सारा काम करने से हमें फायदा हुआ या नुकसान, ये मालूम करने के लिए मेरा बेटा हमने एक अकाउंट बनाना है, उस अकाउंट को कहा जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हम एक अकाउंट बनाने जा रहे हैं, अकाउंट मीन एक लेजर, तो मैं जनाब यहाँ पर लेजर बनाने लगा हूं, आप जरा देखिएगा कि हम वो लेजर किस तरह से बनाएंगे। लेजर, लेजर भी आप लोग जो है वो अपने प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हुए हैं। ले जनाब ये लेजर का आपके पास फॉर्मेट है जिसमें आप लिखते हैं अमाउंट और पार्टिकुलर और अमाउंट, डिटेल भी लिख सकते हैं, डिटेल अमाउंट, डिटेल अमाउंट। हम बनाने क्या जा रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट।
कंसाइनमेंट अकाउंट से हमें पता क्या चलेगा कि हमें ये सारा काम करने से फायदा हुआ या नुकसान। अच्छा सर ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना कैसे है आप जरा देखिएगा, जहां कंसाइनमेंट डेबिट है हम भी वहां पर डेबिट कर दें। ये देखें सबसे पहली एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट है, हम भी इसको डेबिट कर देंगे 10,500 से। किसकी वजह से डेबिट है, तो जवाब ये है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से, ये स्पेलिंग कंप्लीट लिखना है। उसके बाद देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, डेबिट है, हम फिर से इसको डेबिट कर देंगे 350 से। किसकी वजह से, तो जवाब ये है कैश की वजह से। फिर देखें कंसाइनमेंट क्या है, तीसरी एंट्री में कंसाइनमेंट नहीं है, चौथी में है, कंसाइनमेंट क्या हुआ है डेबिट, हम भी इसको डेबिट कर देंगे भाई किसकी वजह से, तो इस दफा है सलमान की वजह से, सलमान की वजह से कंसाइनमेंट डेबिट है। फिर उसके बाद कंसाइनमेंट चौथी पांचवी एंट्री में देखें क्रेडिट है, हम भी कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे 14,400 से, किसकी वजह से, तो उसका भी जवाब है सलमान की वजह से, सलमान अकाउंट की वजह से। और लास्ट है कंसाइनमेंट फिर से डेबिट हुई है, हम भी कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे किसकी वजह से, फिर से जवाब यही है सलमान की वजह से, ले जी सलमान अकाउंट। अब आप देखेंगे बड़ी साइड कौन सी है मेरे बेटा, बड़ी साइड आपके पास यहाँ पर क्रेडिट साइड है 14,400, ये बड़ी अमाउंट है, इसको उठा के इधर भी लिखें 14,400, इसमें से माइनस कर दें ये ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ जी। जब आप ये चारों चीजों को माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2916 रुपीज, ये है प्रॉफिट। लेकिन इसको हम लिखेंगे किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से हमेशा। अब जरा एंट्री पास होने लगी है वो जरा तवज्जो से देखिएगा, ये देखें जी कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ किसकी वजह से, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से। अब यहां हम यही बात इधर करने लगे हैं जर्नल एंट्री में, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ हम भी कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, स्पेलिंग कंप्लीट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया किसकी वजह से, तो वजह है प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम जा रहे थे जर्नल से लेजर में, अब हम लेजर से वापस जर्नल में आए हैं एंड वाली एंट्री में। ले जी ये जनाब नरेशन इसकी लिखेंगे प्रॉफिट अर्न्ड ऑन कंसाइनमेंट, क्या हमने कंसाइनमेंट के ऊपर नफा कमाया। ये मेरा बेटा वो बुनियादी एंट्रीज हैं जो तकरीबन हर सवाल में आनी है। और देखें हमने ये सारा काम करने से पता कर लिया है कि हमें कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। उसने ना ये एंड वाली जो लाइन है उसने कहा था अकाउंट्स वर सेटल इमीडिएटली, कहता है जो आपका उसके साथ लेना देना था वो खत्म हो गया। तो लेना देना खत्म तो तब होगा कि हमने जो उससे पैसे लेने थे वो ले लिए, जो उसको देने थे वो दे दिए। तो ये लेना देना खत्म करने के लिए हमें एक और अकाउंट बनाने की जरूरत है, वो अकाउंट सर कौन सा अकाउंट है मेरा बेटा, वो जो है हमारा है ये, ले जी यहां पर मैं छोटा सा बना रहा हूं, वो अकाउंट है उसका सलमान का जिसके साथ आपका लेना देना था। तो जिसके साथ हमारा लेना देना है अब हम उस लेने देने को खत्म करने के लिए एक अकाउंट बनाने जा रहे हैं सलमान अकाउंट। तो जनाब सलमान अकाउंट ले जी, अब हमने सलमान वाली एंट्रीज को देखना है, जहां सलमान डेबिट है हम डेबिट करेंगे, जहां क्रेडिट है हम क्रेडिट करेंगे। मैं इसको ग्रीन पेन से बनाता हूं। ले जनाब सबसे पहले ये देखें तीसरी एंट्री में स्टार लगा रहा हूं, सलमान जो है वो क्रेडिट हुआ, हम भी सलमान को क्रेडिट करेंगे किसकी वजह से, बिल रिसीवेबल अकाउंट की वजह से। उसके बाद सलमान अकाउंट चौथी एंट्री में देखें क्रेडिट हुआ, हम उसको फिर से क्रेडिट करेंगे किसकी वजह से, तो जवाब है कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से, स्पेलिंग कंप्लीट लिखने हैं। फिर पांचवी एंट्री में सलमान अकाउंट डेबिट हुआ, हम भी सलमान को डेबिट करेंगे, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है सलमान, तो हम सलमान को डेबिट करेंगे 14,400 से किसकी वजह से, कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से, स्पेलिंग कंप्लीट। उसके बाद ये वाली एंट्री है यहाँ पर सलमान क्रेडिट हुआ 504 से, हम भी इसे क्रेडिट करेंगे किसकी वजह से, कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से। बस अब जनाब हम करेंगे टोटल, बड़ी साइड हमारे पास ये वाली है,
चौदह चार सौ, इसको इधर भी लिखें, बड़ी साइड को हमेशा दोनों तरफ लिखा जाता है। अब इसमें से हम छोटी साइड माइनस करेंगे, छोटी साइड माइनस करके जो जवाब आएगा उसको आप लिखेंगे बैंक अकाउंट। वो जवाब कितना आया वो आप लोगों ने बताना है जी, कितना आ गया जवाब? फोरन फोरन 14400 माइनस 7000 माइनस 130 माइनस 504 जी। तो ये जो जवाब आएगा ये हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक के नाम से। सर बैंक के नाम से आप क्यों लिखेंगे? भाई बैंक के नाम से इसलिए लिखेंगे क्या हमने उससे जो पैसे लेने देने थे ना वो हमने उसके साथ मामला जब खत्म किया तो हमने उससे पैसे लेने थे। कितने लेने थे ये भी आप मुझे जवाब बताएंगे तो मैं आपको बता सकूंगा, फिर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकूंगा जी। कैलकुलेशन कोई नहीं आप करते, आप सिर्फ खाना पूरी करते हैं। क्लास ना हो तो आपको बड़ी फिक्र होती है, लेकिन जब क्लास हो रही हो ना उसमें आपकी पार्टिसिपेशन कोई नहीं होती। 7634 भाई बात को आप तवज्जो से सुनिएगा, सलमान से हमने पैसे लेने थे 14400 और उसको देने थे जो एडवांस लिया था वो, जो उसने खर्चा किया था वो, और जो उसने हमसे कमीशन लेनी थी वो। जब हमने ये तीनों खर्चे उसके माइनस किए तो पता चला बाकी हमने उससे 7634 रुपए लेने हैं। तो क्योंकि उसने यहाँ लिखा हुआ है द अकाउंट वाज सेटल इमीडिएटली, कि उसने अकाउंट सेटल कर दिया, तो इसका मतलब उसने हमें पैसे दे दिए हैं। तो जब जनाब उसने हमें पैसे दिए तो फिर अब हम एंट्री पास करेंगे कि हमारे बैंक में पैसा आ गया, बैंक हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट 7634, और वो बंदा पहले हमारा एसेट था क्योंकि उसने हमारी चीजें बेची थी, लेकिन अब वो हमारा एसेट नहीं है, अब उसने हमें पैसे दे दिए हैं, उसका हमारा लेन देन खत्म हो गया, लिहाजा एंड में ये एंट्री पास हुई। और इसकी नरेशन लिखेंगे सलमान अकाउंट वाज सेटल, ठीक है जी। और एक बात हो रह गई है, मैंने आपको कल बताया था, बल्कि आज भी बात हुई, मैंने आपको कहा कि ये जो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट लिखा है ना ये एक आर्टिफिशियल अकाउंट है। तो मैंने कहा था आर्टिफिशियल अकाउंट वो होता है जिसको इस्तेमाल करने के बाद हम खत्म कर दें, तो जब हम इसको खत्म करेंगे तो इस वक्त तो ये डेबिट है, तो फिर इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप सॉरी इस वक्त ये क्रेडिट है तो इसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो आप जनाब जो जो एंट्रीज हैं उन्हीं के नीचे चलेंगे, लेकिन मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं सो इसलिए मैं अगले पेज पे आ गया। मैंने यहाँ लिखा कि गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट है, मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ तो उसको डेबिट कर दूंगा, लिखूंगा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, वहां क्रेडिट था मैंने डेबिट करके उसको खत्म कर दिया, खत्म भी उतने से ही करूंगा जितने से वो डेबिट था 10500 से। ले जी वो खत्म हो गया। आप लोगों ने बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है कि जब किसी चीज को खत्म करना हो वो डेबिट है तो क्रेडिट कर दे, क्रेडिट है तो डेबिट कर दे। तो क्योंकि गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट ऑलरेडी क्रेडिट था सो मैंने उसे डेबिट करके खत्म कर दिया, और मैं यहाँ क्रेडिट करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को। सर क्या मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को? भाई हमने जब भी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को क्लोज करना हो ना तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और ट्रेडिंग अकाउंट सर कौन सा होता है? भाई ट्रेडिंग अकाउंट जो फाइनल अकाउंट में आप पढ़ते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वो वाला ट्रेडिंग अकाउंट है। इसकी निरेशन लिखेंगे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद आखिरी एक हम लेजर बनाएंगे, और वो लेजर यही होगा ये जो हमने क्लोज किया इसका। किसका लेजर हम बनाने जा रहे हैं? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, स्पेलिंग हम ले लिख रहे हैं। तो आप जरा चेक करें, सबसे पहले गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट था, हमने भी गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। किसकी वजह से? वजह थी कंसाइनमेंट। फिर उसके बाद गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट ये देखें डेबिट किया, हम भी इसको डेबिट करेंगे। किसकी वजह से? ट्रेडिंग अकाउंट की वजह से। अब आप चेक करें यहां पर बड़ी साइड कौन सी है, तो आप अगर गौर करें तो यहां पर बड़ी साइड कोई भी नहीं है। तो जब यहां पर बड़ी साइड कोई भी नहीं है तो दोनों साइड इसकी बराबर है, लिहाजा यहां पर बैलेंस भी नहीं होगा। और सर बैलेंस क्यों नहीं आया इसका? भाई इसका बैलेंस इसीलिए तो नहीं आया क्या, हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया है, खत्म कर दिया है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट वाले अकाउंट को। तो ये जनाब हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप बच्चों को जो है वो बातें समझ आई होंगी। मुझे तो बड़ा मजा आया समझाने का, आप लोगों को मुझे मालूम नहीं है, आप जब इसको गौर से देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जर्नल आपको अच्छे से आता होगा तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगा।
लेकिन मैंने कोशिश जरूर की है कि मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको बताऊं कि कौन सी चीज क्यों डेबिट किया है, क्यों क्रेडिट किया है, कौन सी चीज को क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया। वीडियो को जब अगेन प्ले करेंगे तो रोक रोक के आप उसको साथ साथ लिख सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो ये जनाब आपका इस वक्त बुक ऑफ क्रीम फुल फ्लैग जो है वो आपके सामने है। मजीद डिस्कशन हम अगले सवाल की करते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज कर